दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन प्रकार का कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन प्रकार का कैंसर है, परंतु हाँ, यदि इसे समय रहते डिटेक्ट कर लिया जाए तो यह क्योरेबल भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो कि 40 से 45 वर्ष के उम्र की बीच की हैं और अविवाहित हैं, या विवाह के बाद उनको संतान उत्पत्ति नहीं हुई, या साफ साफ कहूँ तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने एक भी बार स्तनपान नहीं करवाया है, ऐसी महिलाएं जो हैं वो कैंसर के लिए प्रॉन टू डेवलप होती हैं, कैंसर के लिए प्रॉन टू डेवलप होती हैं। तो दोस्तों, आइए देखें लक्षण क्या क्या होते हैं। यदि शुरुआती दिनों में ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर लिया जाए, डायग्नोस कर लिया जाए, तो यह क्योरेबल भी होता है। तो यदि शुरुआती लक्षणों की बात करें तो ब्रेस्ट में किसी भी प्रकार की गठान, जो कि मूवेबल भी हो सकती है और नॉन मूवेबल भी हो सकती है, इसके अलावा पेनलेस स्मॉल इन साइज एंड देर इज़ अ हार्ड नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर इन द ब्रेस्ट, ये सब लक्षण जो होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं। तो जैसे ही आपको कोई गठान दिखाई पड़े, तो गठान दिखाई पड़े जो कि साइज में बढ़ रही हो धीरे धीरे, भले वो पेनलेस ही हो, शुरुआती दिनों में कैंसर पेनलेस ही होता है, तो पेनलेस गठान जो है धीरे धीरे बढ़ रही हो और जो कड़ी हो, तो ऐसी गठान, इसके अलावा ब्रेस्ट की साइज का छोटा बड़ा हो जाना, एक ब्रेस्ट छोटा एक ब्रेस्ट बड़ा, और इसके अलावा निप्पल का अंदर धंस जाना, ये सब लक्षण जो हैं ये ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। और इन सब लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो आइए जाने कि हम कैसे ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, FNAC नाम का एक जांच होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो वो जांच को करवाने के बाद यदि वो जांच में कैंसर के प्रॉन टू डेवलप होने की संभावना बताई जा रही है, तो उसके बाद उस टुकड़े का, उस मांस का बायोप्सी की जांच करवानी पड़ेगी। और बायोप्सी यदि बताता है कि कैंसर डेवलप हो रहा है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। तो ये थे कुछ लक्षण और कुछ सामान्य सी जानकारी दोस्तों।